दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के साथ शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू इम्पोज ए लॉकडाउन इन दिल्ली फ्रॉम 10 PM टुनाइट टू 6 AM नेक्स्ट मंडे, दैट इज 26 अप्रैल 2021, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि आज रात 10 बजे से अगले 26 अप्रैल 2021 6 बजे सुबह तक पूरी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा और इस बीच कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू का सीधा सीधा मतलब समझें तो इसका मतलब है अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अब इस संदर्भ में अगर आप ये देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए समझने की बात यह है कि ये जो लॉकडाउन आज से लगा है, इस लॉकडाउन में किन चीजों की इजाजत होगी और किन चीजों पर पाबंदी रहेगी, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम लोग कई बार गलतियां कर बैठते हैं और फिर हमें सजा भुगतनी पड़ती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ता था, पड़ता है और पड़ता रहेगा। बीते 24 घंटे में लगभग 24,000 केस दिल्ली में कोरोना के आए, जिस कारण यहां पर बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। बताया जाता है कि आईसीयू में तो 100 से भी कम बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में घर पे रहना और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी बहुत जब जरूरी काम होते हैं तो लोगों को घर से बाहर भी निकलना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज किन किन चीजों की इजाजत होगी और किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। सबसे पहली बात जो बताई गई है वो ये है कि दिल्ली में बस और मेट्रो सेवा चालू रहेगी, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही ये चलेंगी, यानी कि टोटल कैपेसिटी से सीधा आधा कर दीजिए। इसलिए अगर बहुत जरूरी हो तभी बस से या मेट्रो से बाहर जाएं। दूसरी बात यह कही गई है कि मेट्रो और बस में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लोगों को सफर करने की इजाजत दी गई है, यानी कि अगर आप जरूरी सेवाओं में लगे हुए हैं तभी आपको मेट्रो या बस में जाने की इजाजत होगी। सिर्फ अगर कोई ये सोचता हो कि चलो घूम के देख के आते हैं कर्फ्यू में क्या होते हैं, तो फिर आप पकड़े जाएंगे और फिर आपको इसके लिए फाइन भी किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी हो तभी मेट्रो या बस में जाएं। यदि किसी के परिवार में इस दौरान शादी होनी है तो ध्यान रखें, आप ज्यादा से ज्यादा 50 गेस्ट को ही बुला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इसके लिए भी अगर आपके परिवार में शादी है तो दिल्ली सरकार से आपको पास लेना होगा, यानी कि परमिशन लेनी होगी, तभी आप शादियां कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये बात कही गई है कि प्राइवेट ऑफिसेस पूरी तरह से बंद रहेंगी और प्राइवेट ऑफिसेस में काम करने वाले सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, चाहे वो दिल्ली के किसी भी इलाके में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों। सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे, केंद्र सरकार के दफ्तर भी खुले रहेंगे, लेकिन वहां भी कर्मचारियों की क्षमता 50% होगी। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दफ्तर में जो लोग काम करते हैं वो अपना ऑफिस आईडी दिखा करके बाहर जा पाएंगे, इसलिए जो भी लोग सरकारी दफ्तर में काम करते हैं कृपया अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही बाहर जाएं।
सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी किसी भी मॉल में या जिम में या ऑडिटोरियम में, असेंबली हॉल, सिनेमा हॉल, कहीं भी जाने की कोशिश ना करें। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, एलपीजी सीएनजी सेंटर्स खुले रहेंगे, बैंक खुले रहेंगे, एटीएम भी खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने पर पाबंदी होगी। हां, अगर आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना चाहते हैं तो होम डिलीवरी करवा सकते हैं या टेक अवे की इजाजत होगी, यानी कि वहां से खरीदिए और अपने घर में जाकर के खाइए, इसकी इजाजत होगी। अदरवाइज रेस्टोरेंट में बैठ करके आप खाना नहीं खा सकते हैं। यदि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है या एयरपोर्ट जाना है तो वहां जाने की छूट होगी आपको, लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए कि आपको दिल्ली से कहीं बाहर जाना है। उसका टिकट अगर आपके पास है तभी आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा। यदि किसी को अस्पताल जाने की जरूरत है या कोई अगर वैक्सीन लगाने जाना है या किसी बीमार को अगर आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो आपको पूरी छूट होगी और कोई भी पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके पास अगर हॉस्पिटल से जारी किया गया आईडी कार्ड है तो वो दिखा करके आप अपने काम पर जा सकते हैं। मीडिया कर्मी हैं उनके पास भी आइडेंटिटी कार्ड जरूर होनी चाहिए, फिर उनको कहीं भी आने जाने की सुविधा होगी। फल, दूध, सब्जी, दवा, इस तरह की जो दुकानें होती हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन इन दुकानों को खोलने के लिए भी दुकानदारों को ई पास बनवाना होगा। अगर उनके पास ई पास नहीं है तो वो फिर अपना दुकान खोल नहीं पाएंगे। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। सो अगर आपको पूजा पाठ करनी है अपने घर में रहकर करें। यदि ईश्वर न करे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप और सलून, ये सारी चीजें बंद रहेंगी, इसलिए इन सब जगहों पर कृपया ना जाएं। तो अब आपको ये पता लग गया कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको किन किन चीजों की इजाजत होगी और किन किन चीजों की इजाजत नहीं होगी। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें और अपने को और अपने परिवार को इस कोरोना से बचाएं और सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।